हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सॉफी में रिफंड का इशू आ रहा है। आपका प्रोडक्ट पिकअप कर लिया जाता है, आपको रिफंड नहीं मिलता। ठीक, अगर आप कस्टमर केयर कॉल लगाओ तब भी कॉल नहीं लगता। ठीक, और कोई पीरियड में अगर कॉल लग भी जाता तो सॉफी कस्टमर केयर बोलते आप सेलर से कॉन्टेक्ट कीजिए। जब आप सेलर से कॉन्टेक्ट करते हो तो सेलर भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो इस पीरियड में आपको करना क्या है, देखिए कम समय में एक अच्छा ग्रो करने वाला ऐप सॉफी है, तो इसमें हमें थोड़ा बहुत इशू अभी देखने को मिल रहा है। जैसे इनकी कस्टमर केयर सर्विस भी अभी ठीक नहीं चल रही है और इस पे काफ़ी एरर देखने को आ रहा है। तो देखिए, जो कम समय में एक अच्छा ग्रो करता है तो थोड़ा बहुत तो उसको सीखना ज़रूरी है। तो अभी सॉफी ने ग्रो तो किया है पर अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहा है। धीरे धीरे ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिए, हम बात करते हैं रिफ़ंड की। देखिए, रिफ़ंड आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, ठीक, अपने 50-60 वाला 50 रुपये या 60 रुपये या 100 रुपये तक का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो इसमें हमको रिफ़ंड का इशू काफ़ी देखने को मिल रहा है। क्योंकि मान लो सॉफी की तरफ से आपको काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट काफ़ी कम रेट में देखने को मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब इतने कम रेट में आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं तो उसमें थोड़ा रिफ़ंड का इशू तो बनता है। ऐसे या 50-60 रुपये वाला प्रोडक्ट अगर रिफ़ंड रिटर्न करते हो तो इसमें सॉफी को काफ़ी लॉस होता है। तो इसलिए वो रिफ़ंड और रिटर्न के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल तो करता है पर इसकी सर्विस ठीक से नहीं दे पाता। तो यही रीज़न है, अगर आप 50-60-100 रुपये वाले 150 रुपये तक का कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर कर रहे हो तो उस पर एक्सपेक्टेड ना करें कि वो आपका रिफ़ंड या रिटर्न हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉफी कस्टमर केयर की। जब आप कस्टमर केयर कॉल करते हो तो कोई पीरियड में कॉल लगता ही नहीं है, और अगर कॉल लगता भी है तो कस्टमर केयर आपको अच्छी सर्विस नहीं दे पाती। क्योंकि काफ़ी कम समय में एक अच्छा ग्रो करने वाला ऐप सॉफी है। ठीक, जब सॉफी ने एक अच्छा ग्रो किया है तो अभी सॉफी के पास कस्टमर केयर की सर्विस उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है जो कंपेयर टू फ्लिपकार्ट अमेजोन में है। तो थोड़ा सा भी ये इशू है कस्टमर केयर सर्विस में। अब बात करते हैं सॉफी रिफंड में बैंक का टाइम लिमिट। देखिए, हर एक जितने भी शॉपिंग ऐप्स हैं सब में हमको लिमिट देखने को मिलता है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 5 या 4 दिन काम होता है रिटर्न और रिफंड वाला। तो जो काम होता है रिफंड वाला तो इसमें शनिवार और रविवार काम नहीं होता, बचे हफ्ता के 5 दिन। उन 5 दिनों में अगर कहीं छुट्टी भी पड़ जाती है तब भी रिफ़ंड थोड़ा लेट हो जाता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और साथ बात करते हैं रिफ़ंड के लिए, कहीं की लोकेशन पे आपको जो डिलीवरी वो आपका डिलीवरी करने आता है तो काफ़ी समय लगता है। फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो या सॉफी हो, जब आपको प्रोडक्ट काफ़ी लेट डिलीवरी होती है तो आपको एक्सपेक्टेड नहीं करना चाहिए कि हमारा रिफ़ंड जल्दी हमको मिल जाए। ठीक, अब बात करते हैं 50-60 रुपये वाले प्रोडक्ट की। जैसे आप कोई भी 50-60 या 100 रुपये या 150 रुपये वाला कोई सा भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, ठीक, उसके बाद जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, अब ऐसे 50-60 वाले प्रोडक्ट में कोई ऑप्शन नहीं है रिफ़ंड का कि सॉफी आपको रिफ़ंड दे, क्योंकि 10-20 रुपये आने जाने का खर्चा लग जाता है। और फिर जब आप रिटर्न रिफ़ंड करते हो तो 10-20 फिर खर्च होता है। तो पॉसिबल नहीं है कि 50-60 रुपये के प्रोडक्ट में आपको रिटर्न रिफ़ंड सारी सर्विस देखने को मिले। अब आपको लास्ट में बात करते हैं कि अगर आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है, मान लो आपका प्रोडक्ट पिकअप हो गया है और आपका रिफ़ंड बीच में फंस गया है, तो ऐसे पीरियड में आपको करना क्या है। अगर आपका रिफ़ंड, मान लो कोई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया शॉपी से और वो पिकअप हो चुका है, ठीक, उसके बाद आप कस्टमर केयर सर्विस कॉल करते हो और सेलर से बात करते हो, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो इस पीरियड में आपको वेट करना ही होगा क्योंकि सॉफी की अभी सर्विस अच्छी नहीं है, तो आपको अभी तो वेट करना होगा। बात करते हैं सॉफी कस्टमर केयर नंबर की। तो काफ़ी जब एक ही नंबर पे इतने सारे कॉल आते हैं तो काफ़ी एरर देखने को मिलता है, सॉफी का कॉल नहीं लगता है। तो मैं सीधी भाषा में बात करूं तो
आपको सॉफी कस्टमर केयर पर कॉल करते हो तो एरर आता है, कॉल नहीं लगता या कस्टमर केयर आपकी सही तरीके से हेल्प नहीं कर पाते। तो देखिए, मैं सीधी भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप सॉफी से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, ठीक, तो उस पर ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट को अभी ऑर्डर ना ही करें तो अच्छी बात है। बस ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर करें जिसमें अगर आपको लॉस होता है तब भी आप झेल सको, तभी सॉफी पर आएँ, क्योंकि अभी सॉफी की सर्विस अच्छी नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखें। और अगर आपका प्रोडक्ट पिकअप कर लिया भी जाता है, यदि आपका प्रोडक्ट पिकअप भी हो जाता है, तो आपको लास्ट पॉइंट में बात करना चाहता हूँ कि आपको सेलर और कस्टमर के दोनों को ही बात करनी पड़ेगी, दोनों से ही बात करनी पड़ेगी। उसके बाद ही जब आप 4-5 बार कॉल लगाओगे तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। लास्ट में हम बात करते हैं, अगर आपका जो प्रोडक्ट पिकअप हो जाता है, आपका रिफंड बीच में फंस जाता है, ठीक है, तो इस पीरियड में आपको करना क्या है। देखिए, जब आपका अगर रिफंड फंस जाता है तो आपको सॉफी कस्टमर केयर और सॉफी सेलर दोनों से ही बात करनी है। और एक बात और याद रखें, आपको अपना बैंक अकाउंट अपने सॉफी में ज़रूर ऐड करना है, तभी आपको आपका रिफंड मिलेगा, ठीक। और सेलर से और सॉफी कस्टमर केयर बात करते रहना है। अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करते हो तो आपका रिफंड आ जाएगा, ठीक। और बाकी मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आप सॉफी से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, देखिए आपको डिलीवर तो हो जाता है इतने कम रेट में, कोई और ऐप आपको इतने कम सस्ते प्रोडक्ट नहीं दे सकता, तो आपको वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा रिफंड पे। आगे चल के सॉफी की सर्विस काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो तब आप उस पर ऑर्डर कर सकते हो, काफ़ी महंगे प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर सकते हो। अभी सॉफी को थोड़ा समय लगेगा कस्टमर केयर सुधारने में और रिटर्न और रिफंड। तो आशा करता हूँ मैंने वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हुए हों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो तकनीकी राणा।